Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. Jai Hind. नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी SS वीडियो ट्यूटोरियल में नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SRT, जिसका नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट जो है इस साइकोलॉजी टेस्ट में होता है सेकेंड डे पर, ठीक है। जैसे ही आपका डे वन में स्क्रीनिंग खत्म होगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो है ये टेस्ट थर्ड नंबर पर होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसकी अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं और आपको 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। पर इसके अंदर एक चीज जो है, इसके अंदर आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाया जाएगा, एक प्लेन बुकलेट मिलेगी आपको A4 साइज की, उसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। इसके अंदर आपको 60 सिचुएशंस दी जाएगी रियल लाइफ से रिलेटेड, उसके ऊपर आपके रिएक्शन लिखने होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो मैंने अपनी वेबसाइट पर ssbguide.com पोस्ट लिखा हुआ है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर, बहुत अच्छा पोस्ट है। उसके अंदर आपको सैंपल जो है मिल जाएंगे, सैंपल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर जरूर लिख सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर, मेरा मकसद क्या है देखिए दोस्तों, मैं बताने में आपको यहाँ भी अपने रिस्पॉन्सेज बता सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि अपने रिस्पॉन्सेज देना, ठीक है। पर मैं ये काम क्यों नहीं करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने रिस्पॉन्सेज दूंगा, अगर सेम आपको वही क्वेश्चन आ गए SLB इंटरव्यू में, तो गड़बड़ पता क्या होगी कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होंगे वो मेरे रिस्पॉन्सेज लिख देंगे, तो यहाँ थोड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो है अपना नेचुरल बिहेवियर वहाँ पर लूज कर देंगे, आपकी पर्सनैलिटी से रिस्पॉन्सेज मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने टिप्स देने जा रहा हूँ आपको, फर्दर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे रिस्पॉन्सेज क्या हैं और आपके रिस्पॉन्सेज क्या होने चाहिए, ठीक है। पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको SRT के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप जरूर मेरी वेबसाइट पे पहले जाएं, पोस्ट पढ़ लें, ठीक है। फिर ये 5 टिप्स जो है ये मेन है, ठीक है, इसी के ऊपर सारा बेस्ड है। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ये सेम चीज़ें पढ़ाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम डिटो। आप अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेंगे, सेम आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी वहाँ पर भी, ठीक है। तो इससे बेटर है आप वीडियो देखिए, इंजॉय करिए वीडियो को, फन के साथ पढ़ाता हूँ मैं, स्ट्रेस मत लीजिए, SSB को स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है, आसान है, ठीक है। अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेस लिखने हैं, तो सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सेस शॉर्ट रखने हैं हमेशा। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट और GTO ये दो ऐसे बंदे हैं जिनको अपने रिस्पॉन्सेज जो है आपने शॉर्ट देने हैं। इंटरव्यूअर में, हाँ इंटरव्यू में आप दीजिए पूरी एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपके पास 1-1.5 घंटा होता है इंटरव्यू में, बहुत आराम से दीजिए। पर यहाँ पर आपके पास 30 मिनट्स हैं, ठीक है, और आपने 60 रिस्पॉन्सेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60 छोड़ो 45-50 अगर आप कर देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, पर वो नेचुरल रिस्पॉन्सेज होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए। अब क्विक देना रिएक्शन, अपना क्विक रिएक्शन देना, असली वही असली रिएक्शन होगा जो आपका सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करेगा, और बिलीव में आप वही करेंगे अगर आप एक्चुअल सिचुएशन में फंसेंगे, ठीक है। इसीलिए ये SRT है कि अगर वॉर टाइम्स भी होंगे तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। रिस्पॉन्सेज पहला पॉइंट, आपने रिस्पॉन्सेज हमेशा शॉर्ट रखने हैं, ठीक है, जितने शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट करने ही करने। उसके बाद डू नॉट राइट मल्टीपल एक्शंस, किसी भी सिचुएशन के मल्टीपल एक्शन मत दीजिए, ठीक है। अगर ये कोई फैक्टर है तो इसका रिस्पॉन्सेज ये है और ये भी हो सकता है, तो दो आपने कभी भी नहीं देने, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दोगे कि आप जो है पोस्ट कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ भी सिखाया आपको वहाँ भी सिखाया, तो आपने सोचा दोनों को लैप करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए, एक ही रिएक्शन लिखिए, बेनिफिट मिलेगा आपको, एक रिएक्शन लिखिए हर में और नेचुरल होना चाहिए, एक रिएक्शन। उसके बाद है राइट क्लीन, ये बहुत अच्छा फैक्टर है भाई। बहुत से कैंडिडेट में से पूछते हैं सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हमारे टैट में भी हम अच्छा नहीं लिख पाते, वैट भी नहीं अच्छा लिख पाते। पर अच्छा लिखना और गंदी लिखने में, गंदी लिखाई होने में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना, अच्छा ना लिखना। देखिए राइटिंग मेरी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर लिजिबल है ये, मतलब पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना, इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा पढ़ तो सके, इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए, इसका थोड़ा ख्याल रखें। अगर बहुत ज़्यादा गंदी है तो थोड़ा स्पेस दे के लिखें, पर लिखें ज़रूर साफ वहाँ पर, ठीक है। कटिंग अवॉइड करें, कटिंग अगर आप करोगे तो फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा। यहाँ फैक्टर एक और ऐड कर सकते हैं, मिनिमम कटिंग का, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप अगर नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सारे पॉइंट्स को वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, SSB
में जाएंगे तो अगर आप कोई भी एसआरटी अटेम्प्ट करने लगेंगे तो ये पॉइंट रिवाइज करके जरूर जाना है। ठीक है, ये 6 पॉइंट जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ आप अलग रजिस्टर में एक नोट जरूर कर लें। ठीक है ना, मिनिमम कटिंग तो होनी चाहिए। कटिंग अगर होगी तो बंदा बोलेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, इसका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ये अटक रहा है इस चीज में, इस पॉइंट में अटक रहा है, तो वही साइकोलॉजिस्ट आपको कैच कर ले। ठीक है ना, तो कटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, व्हाइटनर कभी भी यूज नहीं करना एसएसबी में, ये बात ध्यान रखना। अगर कटिंग होगी कहीं व्हाइटनर यूज करने लग रहे हो, नहीं, कभी भी नहीं यूज करना। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है मेन फोर्थ, ठीक है ना, राइट प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सोल्यूशन। भैया सुपरमैन और रजनीकांत वाले सोल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है ना, सपोज करें मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ, ठीक है, एक सिचुएशन सपोज करो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आप मुझे जरूर बताना, आपका अपना पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं, एक बंदा है वो कहीं भी मॉल रोड या किसी भी रोड पर वॉक करने गया, ठीक है, सपोज करें, और उसने सोने की चेन पहनी है, गोल्ड चेन, ठीक है, और चेन स्नैचर्स 5-6 उसका पीछा करने लगते हैं, वो भी पैदल ही होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई व्हीकल नहीं है और आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है, आप अकेले हो वॉक करने के, तो व्हाट विल यू डू। ठीक है, इसका रिस्पांस क्या होगा आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, मैं बताता हूँ कुछ आंसर्स जो आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कई रिस्पॉन्स ऐसे देंगे कि यार हम ना अपनी गोल्ड चेन है उसको पहले पॉकेट में डालेंगे फिर उनसे लड़ाई करने शुरू कर देंगे। तो आप खुद इमेजिन करिए कि एक बंदा है वो 6-7 चेन स्नैचर से, मतलब जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो चोरी चकारी में एक्सपर्ट है, गुंडागर्दी में एक्सपर्ट है, और उनसे लड़ने जाता है 5-6 लोगों से, तो उसका क्या हाल होगा आपको भी ये पता है। ठीक है ना, अगर यही एक कोई आदमी जिसकी बॉडी ठीक ठाक है, 6-pack abs है, 18 इंच का बाइसेप्स है, वो ये काम करे और ये बोले, उसकी पर्सनैलिटी से फिर भी मैच होता है, चलो सपोज करा वो मैच हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी से फिर भी, तो अगर यही एक वीक जिसकी बिल्कुल वीक बोन्स या स्किनी बंदा है वो ये बात बोलेगा तो बहुत इलॉजिकल सी बात लगेगी, तो इससे बेटर है आप ऐसे रिस्पॉन्सेज मत लिखिए। ठीक है ना, तो सुपरमैन वाले आंसर्स नहीं लिखने, कई होंगे कि भाग जाएंगे, ये एक बेटर ऑप्शन भी है कि यार चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता, भागो अब पीछे और क्या होना है, जब आपको पूरा यकीन हो ही चुका है वो चेन स्नैचर्स हैं तो भागो फिर अब। ठीक है ना, इससे लड़ना कोई किसी चीज़ का सलूशन नहीं होगा वहां पर। ठीक है ना, अपने आप को बचाना है, गोल्ड चेन चलेगी कोई बात नहीं, खुद तो बचे ना, तो उनके पास कोई ना कोई हथियार भी हो सकते हैं, चाकू भी हो सकता है, नाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके पास, गन भी हो सकती है, तो आपने अपने आप को सेफ करना है। ठीक है ना, ऑर्नामेंट तो फिर बन जाएंगे, अपने आप को सेफ करना है। ठीक है ना, तो लॉजिकल आंसर्स देने हैं, कोई भी बेफालतू में सुपरमैन रजनीकांत वाले आंसर प्लीज मत देना, इलॉजिकल आंसर, सेम केस इसके अंदर होता है, वो आपका जीटीओ टास्क में भी होता है, इलॉजिकल आंसर्स देंगे लोग तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, जीटीओ में भी ध्यान रखें, जीपी में खासकर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, उसके अंदर भी ग्रुप डिस्कशन में इलॉजिकल आंसर्स देते हैं, हम शार्क को मार देंगे, हम लॉयन को मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, लॉजिकल आंसर दीजिए। ठीक है ना, और फाइनल पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना कोई भी पॉइंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, अगर आपने सपोज लिख ही दिया कि मैं 5-6 लोगों से भिड़ जाऊंगा, वहां पर लड़ाई करने लग जाऊंगा, सपोज लिख दिया, और नेक्स्ट अगर कोई सिचुएशन आती है कि आपकी जेब पॉकेट में कोई पर्स है और पर्स कोई बंदा निकाल लेता है, तो निकालने की कोशिश करता है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब आप सपोज करिए खुद ही एक बंदा जो चेन स्नैचर से भिड़ने चला जाता है 4-5 लोगों से, और नेक्स्ट टाइम उसका कोई पर्स निकालता है तो उसको पर्स निकालने देता है, ठीक है, निकालते हुए देख लेता है और उसको छोड़ देता है ऐसी, ठीक है, वो सॉरी बोलता है उसको छोड़ देता है, ऐसा नहीं होगा, उसने अग्रेसिवनेस वहां पे शो कर दी, फिर उसको जो है इसी पॉइंट पर रहना है, कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करना कि उसने सॉरी बोला छोड़ दिया, तो फिर दो लगाओ उसके भी। ठीक है ना, अपने रिएक्शन में ये देखो, ये मेरा पॉइंट है दोस्तों, कभी भी मेरा पॉइंट मत लिखना, ये मेरी पर्सनैलिटी में है, कोई आपको, बहुत सारे लोग ऐसे सिखाएंगे कि एसआरटी ऐसे कर दे, ऐसे लिख दे, पर उनका पॉइंट है वो अलग, ठीक है, वो अलग ही पर्सनैलिटी, अलग कैंडिडेट है वो, आप अलग हो, कोई गलत सही नहीं है यहाँ पर लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सीरियसली तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएं sbguide.com, या फिर यहाँ पर मैंने बैनर में दिया होगा आपको एक
क्लिक करें उसके ऊपर, आप मेरी ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएंगे। आप वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, पोस्ट के बारे में लिखा होगा वहाँ पर, उसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।